लेजिट ड्राई फ्रूट्स डाले हुए अंदर भाई साहब, मार मुझे नहीं खानी है। मार पड़ेगी अगर अकेला पी गया तो। हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकित फ्रॉम चटोरा अंकित, और आज हम आए हैं शेकर्स एंड जूसर्स पर, जो कि नया वेंचर खुला है सूरत में VIP रोड पे। और भाई इसके जो थिक शेक्स है, फ्रेश जूसेस है, कोकोनट क्रीम्स है, और भी अनेकों आइटम है, मतलब वास्ट वैरायटी ऑफ मेन्यू है इसके इनके पास, थिक शेक्स में, फ्रेश जूस में, अलग अलग चीज़ें हैं। तो फटाफट से चलिए चलते हैं अंदर और आपको एक्सप्लोर करके बताते हैं कि आज हम क्या ट्राई करने वाले, कौन से थिक शेक्स ट्राई कर रहे हैं, कौन से फ्रेश जूसेस ट्राई कर रहे हैं, कौन से आइसक्रीम्स ट्राई कर रहे हैं। तो आपको चलिए जल्दी से एक्सप्लोर करके बताते हैं। भाई ये देखे, ये आ गई है हमारी मस्क मेलन तवा आइसक्रीम। और भाई साहब प्रेजेंटेशन देखिए, ऊपर मस्क क्रीम की डिज़ाइन डाली हुई है, लाइव मस्क मेलन्स डाले हुए हैं और अंदर मस्क मेलन की आइसक्रीम है। तो पहले क्रीम और मस्क मेलन का एक शॉट उठाते, ऊपर से एक मस्क मेलन लेते हैं। ये देखिए बहुत ही गजब है भाई। और जैसा कि अभी टाइम चल रहा है सूरत में हीट वेव्स के, वार्निंग आई हुई है सूरत में भाई साहब की 41-42 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है, सब घर के अंदर रहना। बट आपके लिए हम शूट करने आए यहाँ पे, और हमें मिला है ये बढ़िया सा आइसक्रीम जो बहुत ही टेस्टी है, स्वीट एकदम मस्त है, मस्क मेलन का भी बढ़िया सा फ्लेवर आ रहा है। ये देखिए एक और शॉट उठाते हैं मस्क मेलन के साथ। ये देखिए डबल डबल मस्क मेलन, बहुत ही बढ़िया। और ये क्रीम भाई, क्रीम बहुत नेक्स्ट लेवल है। तो चलिए इसको फटाफट खाते हैं और हमारी दूसरी डिश मंगवाते हैं और आपको टेस्ट करके बताते हैं। यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग जूसेस, कोकोनट शेक्स और भी थिक शेक्स आने वाली है, चलिए बताते हैं आप। तो भाई ये आ गई है हमारी शेकर्स एंड जूसर्स की भारी भरकम प्लेट कट फ्रूट सैलेड। और प्रेजेंटेशन देखिए भाई साहब, 100 में से 100 नंबर, मतलब रंग बिरंगा प्लेट है ये मेरे पास। इसमें ऑरेंज कलर है, वाइट कलर है, ग्रे कलर है, कीवी का ग्रीन कलर है, चेरी है भाई साहब, और यहाँ पे वाटरमेलन है, अंगूर है, मतलब क्या नहीं है इसमें, एप्पल्स है साइड में, मतलब मज़ेदार प्लेट है। तो सबसे पहले मैं मेरी फेवरेट चीज़ उठाता हूँ, कीवी, और महंगी भी, महंगी वाली चीज़, मस्त खट्टा मीठा टेस्ट। दूसरा ये चेरी, इसको हाथ से उठाना पड़ेगा।
बढ़िया। तीसरी चीज़ ड्रैगन फ्रूट, ये भी अगेन महंगा वाला चीज़, और कीवी साथ में आ गया। और एक अंगूर को मिक्स करते हैं यहाँ पे, ये ठीक है। बहुत ही लाजवाब। सबसे मज़ेदार क्या लग रहा है पता है, इसके ऊपर जो छोटा छोटा रोजेस जैसा ये जो टूथपिक दिए ना सजा के, भाई साहब इसको लुक को और ओवरवेम कर रहा है, मज़ा आ जा रहा है देख के। और लुक इतना प्यारा लग रहा है ना कि मैं क्या बताऊँ। सनसेट हो रहा है यहाँ पे, साथ में फ्रूट का एक प्लेट है बढ़िया सा हाथ में, और क्या चाहिए। तो चलिए एक तरबूज उठाते हैं लास्ट पीस, और फिर आपको मिलता है तीसरी डिश के साथ। भाई वन ऑफ द कूलेस्ट शेक ऑफ शेकर्स एंड जूसर्स आ गया है मेरे हाथ में, ठंडे फ्लेवर। और भाई साहब ऊपर देखिए कितना सही है, बादाम पिस्ता लोडेड आइसक्रीम है ऊपर से दिख रहा है भाई, मुझे तो बहुत क्रेविंग हो रही है फटाफट इसको खाने की। और इसका लेंथ देखिए भाई साहब कितना लंबा है, मतलब ये प्रेजेंटेशन ही बहुत कमाल की लग रही है। तो चलिए नीचे से पहले एक स्लिप लेते हैं इसका बढ़िया सा, और उसके बाद चम्मच से इसके अंदर के ड्राई फ्रूट्स आइसक्रीम वगैरह निकालेंगे। ठंडे में जो अपने सौंफ वगैरह जो है ना डालते हैं ना, मसाला जो बनता है उसका, एकदम मस्त दरदरा पूरा मुंह में आ रहा है, मतलब फ्लेवर एकदम उठ के आ रहा है और मज़ा आ रहा है खाने में। और सौंफ का फ्लेवर बहुत ही कमाल का, ठंडे का फ्लेवर बहुत कमाल का। चलिए इसको अंदर से निकालते हैं, पास में आइए ज़रा सा। तो देखिए अंदर से आइसक्रीम निकला है, और इधर से थोड़ा सा पिस्ता निकालते हैं। और देखिए तीन चार पिस्ता और काजू के टुकड़े, आइसक्रीम और ठंडाई। क्रंची क्रंची ड्राई फ्रूट्स आइसक्रीम, मतलब मेरे साथ में दो जन और है, बट इच्छा नहीं हो रही कि उन लोगों के लिए मैं छोड़ूँ ये चीज़। ऐसा लग रहा है कि इतना सा ग्लास है मैं पूरा अकेला ही पी जाऊँ, किसी को ना दूँ, बट बहुत मार पड़ेगी अगर अकेला पी गया तो इसीलिए चलती है इसको ऑफलाइन चलते हैं, पीते हैं, शेयर करते हैं उनके साथ। मार मुझे नहीं खानी है, तो अपने नेक्स्ट डिश के साथ आपको मिलते हैं। तो भाई ये देखिए एसेंजे स्पेशल आ गया है, ड्राई फ्रूट से लोडेड, ऊपर पूरा ड्राई फ्रूट की इधर प्रेजेंटेशन किया हुआ है भाई साहब, लोडेड है ये पूरा ड्राई फ्रूट से। अखरोट है इसमें, बादाम है, काजू है, पिस्ता है और किशमिश है। तो चलिए एक बढ़िया सा स्पून उठाते हैं बढ़िया लोडेड ड्राई फ्रूट्स के साथ और खाते हैं। ठंडक का ब्लास्ट, जो स्वीटनेस का ब्लास्ट, और ड्राई फ्रूट का क्रंच अभी तक मुंह में भरा हुआ है मेरा, मुंह पूरा ड्राई फ्रूट से भरा हुआ है। और इसको पीते हैं साथ में, और इसकी कॉस्ट 250 रुपीज़ है, लेकिन ये वर्थ इट कैसे है, क्योंकि ये जो पूरा ग्लास है ना पूरा ड्राई फ्रूट से भरा हुआ है, ये तो क्रीम तो ऊपर दिख रही है आपको शेक जो है, लेकिन अंदर ही अंदर पूरा ड्राई फ्रूट्स भरे हुए हैं, तो मतलब कमाल की चीज़ है। पास में आइए ज़रा सा, आपको अंदर से निकाल के दिखाता हूँ, और अंदर भी आपको ड्राई फ्रूट्स ही मिलेंगे। ये देखिए लेजिट ड्राई फ्रूट्स डाले हुए हैं अंदर भाई साहब, टेस्ट वैसे ही जैसे अपने कुल्फी खाते हैं ना मावा कुल्फी, सेम टू सेम वैसा ही लग रहा है। तो चलिए एक और शिफ्ट मारते हैं और नेक्स्ट डिश का मंगवाते हैं।
भाई ये देखिए ये आ गया जंबो, जंबो थिक शेक है भाई साहब, है रोल ड्राई गोल्ड। और भाई साहब ये साइज देख रहे हो इसको, मतलब ये एक बंदे के बस की बात नहीं है, आपको 4 से 5 दोस्त लेके आने पड़ेंगे। इवन आपको ट्रीट देना पड़ेगा इसके लिए लोगों को, आप अकेले खा नहीं सकते या पी नहीं सकते, जो भी कह लो, क्योंकि इसमें ड्राई फ्रूट्स बहुत सारे हैं और मुझे ड्राई फ्रूट्स बहुत पसंद है, तो इसके लिए मैं बोलता हूँ कि खा नहीं सकते। और भाई जो चॉकलेट और ऊपर चॉकलेट चिप्स ऊपर डाले हुए हैं ना, बहुत सही लग रहा है, बहुत ये मतलब स्प्रिंकल्स जो डाले हुए हैं ना, बहुत गजब के लग रहे हैं। और रुका भी नहीं जा रहा मुझे खाने के लिए पीने के लिए, जो भी कह लो आप। तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं, इसको बेस देना पड़ेगा नीचे से उंगलियों के साथ, तो इसको बहुत बढ़िया सा फ्लेवर का ब्लास्ट, चॉकलेट से अंदर थिक शेक है, और इसके अंदर क्रश करके अंजीर डाला हुआ है, बादाम डाला हुआ है, पिस्ता डाला हुआ है, और भी बहुत सारी चीज़ें को डाल डूल के मिक्स करके एकदम बढ़िया सा थिक शेक बनाया। और प्रेजेंटेशन इसकी चॉकलेट्स की बाहर जो बहुत ही कमाल की लग रही है, प्यारी लग रही है एकदम, और ऊपर जो दिख रहा है ना भाई साहब ड्राई फ्रूट्स लोडेड हुआ हुआ, बहुत कमाल का है। ज़रा सा पास में आके दिखाइए, और बढ़िया सा ये अंजीर लेते हैं यहाँ से, ड्राई फ्रूट्स लेते हैं भाई, अंजीर भी डाला हुआ है, बहुत कमाल। अब लग रहा है अब नहीं खा पाऊंगा, फट जाऊंगा मैं यहाँ खाने के बाद इतना। तो चलिए ऑफलाइन चलते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, देखते हैं वो कितना खा पाते हैं। तो भाई जैसा कि आपने देखा, हमने इतने सारे थिक शेक्स, जूसेस और आइसक्रीम वगैरह यहाँ पे खाए, फ्रूट सलाद भी खाया, और खा के भाई साहब मज़ा, जो लास्ट वाला था ना भाई साहब, इतना हैवी था, इतना जंबो था, मुझे लगता है 1.5 किलो से वो कम नहीं था। और उसका नाम था रॉयल ड्राई गोल्ड आइसक्रीम थिक शेक, जो बोल लीजिए भाई साहब, वो अकेले से मेरे से ख़त्म नहीं हुआ। इवन मेरे साथ में जो भैया आते हैं चिराग भाई, उन्होंने भी खाया, लेकिन उनसे भी ख़त्म नहीं हुआ, तो अल्टीमेटली हमने लास्ट में पैक ही करवा लिया वो चीज़, देखते हैं अब किसी को दे देंगे वो जाके भाई। लेकिन बहुत कमाल की चीज़ थी, और जो और अलग अलग चीज़ें थी, कट फ्रूट सलाद था, जो सबसे बेस्ट मुझे लगा ना, मतलब लाइट था लेकिन मुझे बहुत पसंद आया, ठंडाई वाला, और जो ड्राई फ्रूट्स एसएनजे स्पेशल था, ड्राई फ्रूट्स भाई साहब कितने सारे ऊपर डाले हुए थे, मतलब मज़ा आ गया। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे ही फ्रेश अमेजिंग वीडियो आपके लिए लेके आता रहता हूँ, और आपको बहुत सारी सूरत की चीज़ एक्सप्लोर करवा रहा हूँ। तो भाई मेरे को भी सब्सक्राइब करना तो बनता है ना बस, तो फटाफट से सब्सक्राइब करो भाई।